नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्धि सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके आ गई राजेश ने कैमरा पर्सन नरेश के साथ में। और कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आपके अपने कार्यक्रम हो जिम्मे हमारे समाज में रहल विकृति विसंगति हटाए के तमाने विषय समय बीस कर जो इतनी बार ना हो कि हमारे के संस्कृति हमारे कैसे बता सके के और हमारे अपन जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके एक संबंध में हमारे जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कर जत। अति आज हमारे एक कलाकार कहा जा या हमारे एक गायकार कहा जा वहाँ के हमारे आज न्योता दल गिल बा। आज हम लोग बाटिए गायकार सीताराम चौधरी हमारे वहाँ से बातचीत कर जी और आप भी संगीत साथ रहा जी बुद्धि सामुदायिक टेलीविजन के साथ में। अति हम कार्यक्रम में वहाँ के स्वागत करना चाहती कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा। नमस्कार। हाँ, तो वैसे आप एक गायकार सीताराम चौधरी यानी कि जो हमन के समाज में रहल विकृति विसंगति उत्थान के जत बा वैसे हमन के समाज में तमाने हम गायकार होली कह के कहे वाला बहुत सा हमन के समाज में व्यक्ति जन्म गिल बाटें कि हमरे इतना ढेर जन्म गिल बाटें कि चीज कर मुँह से एक ठो कौन भी अब एक ठो हमरे कहल जा बाके रचना करी हैं और ओके चाहे सोर रही चाहे नहीं रही हम गायकार होली कह के स्टेज में कहे पुगे वाला व्यक्ति हमन के समाज में बहुत जन्म ले चुकल बाटें। अते वैसे हमन के एक तरफ है मनोरंजन प्राप्ति होते बा बकिन का हमन के समाज के जन विकृति विसंगति बा एक और नर्क के ओर ढकेलते जात बा। ते वैसे हमरे या हमन के समाज में एक अनुसंधान करत के आप रूपंदेही में रह के यानी कि आप रूपंदेह के बासी रह गई बा। अते एक समसामयिक विषय कहा जा या एक चेतनामूलक गीत के गायकार कह के आप चिन्हल गई हमन के समाज में। अते जौन आज तक कौन कौन से गीत निकाल गए आप? जैसे कि पहले हम ढेर से ढेर में चेतनामूलक गीत गात आत रही और अभिनव तक चेतनामूलक गीत गायला। अब से हमार नया निकला वीर पुरखा छोड़ के गए ना देख के दिलो जवान हो मेची से महाकाली तक फूलो फलो जवान हो नया गीत निकल रहे हैं हमन के अमन थारून के लिए विशेष मैंने बनाई नहीं चेतनामूलक गीत बा। अमन थारू जैसे कि गायकार ते होली कहा ना बाकी खाली जैसे हम सुनले के लव संगीत। अब लव संग भर से हमन के संस्कृति हमन के संस्कृति नहीं जोगी ना हमन के समाज जोगी वही मारे लव संग भर ना गा के बल्कि ताकि हमन के समाज आगे बढ़े वो मेरे के विकृति हटाए ना मेरे के गीत गाक चाहिए। तो हमन के समाज में कितना जन व्यक्ति बाटे कि आजकल कहा जा हम गायकार होली अति कहा वाले तमान बाटे ते उखन की हमरे गीत सुनत के एठो लाज लगत है उखन की ऐसन अब जे शब्द चन कर दो भी ओइसने रहत और गायकार भी ओइसने रहने। ते आपके जो ने एठो ए चित्रमूलक गीत गाय में आगे बढ़ गेल बा ते कैसन के एकर और आप अंकित हो गेल थे? जैसे कि अब सब सब जाना जैसे विकृति और जा लगी तो ओकर पाछे पाछे हमनो कब कहाना कि कौवा कान लेके गेल ओकर पाछे दौड़े नहीं भेल वही मारे हमन के अलग पहचान होक चाहिए। जैसे सब जाना के डियान गई हैं तब वो नहीं हुई जैसे कोनो कोनो ऐसा गायकार बाटा एक एठो गायकार के स्वर में दूसरों का गायकार गा देना। अब गाय दूसरा गायकार ना उचे दूसरे गायकार के वही नाते अपन अपन स्वर के अपन अपन पहचान अलग होना चाहिए। कितना जन बाटा एक बार घात हम गा दिली कहिए ओकर आवाज में गाना लेकिन वैसा नहीं गा चाहिए हमारे काल के मतलब दूसरे की नकल करके नहीं चाहिए। हाँ, नकल हमारे के बढ़िया होत बा या बेकार होत बा अपने स्वर में अपने स्वर में गाय चाहिए कैसे अपन स्वर में गाय जी ते अपन अलग पहचान रही। और जैसे कि बड़ी बड़ी गायकार के हमारे मुँह से सुन ली जज बैठाना कुमार सानू उदित नारायण एखन के मुँह हमारे सुन ली जैसे इंटरव्यू में सुनल गेल कि मैंने गायक तो हमारे घर गा दियो करे बाकी नाम चली हमारे की कुमार सानू गेले बा उदित नारायण गेले बा वही नाते गायक अपन किस्म के गायल जाला हमारे अपन तरीके से गायल जा ओखन के ओखन में कहा कि जैसे ओखन के गायल के तरीका अपनाएल जा हमारे बाकी ओखन के स्वर हमारे ना गायल जा अपन पहचान है। हाँ, तो वैसे आप एक चित्रमूलक गायक रख के चिन्ह जाते तो वैसे हमन के कहल जा हर एक महीना में कौन भी चाड़ पर्व व्रत आते। अब जैसे हमने कहा जा कि फगुआ कहा जा या माघी पर्व कहा जा खिचड़ी या हमन के नया वर्ष कहा जा या हर एक हमन के महीना में छोटना छोट कौन भी पर्व हमारे मनाए जाते फिर कहा जा हमारे आज अभी हमन के सावन एक गते हमारे कहा जा सावन लग गिल बा। कहल के मतलब ये हर एक महीना में हमारे हर एक मौसम में वह अनुसार के हमन के गीत चयन करे के आवश्यक बा एक हमारे अपन जीवन में सफल हो के खातिर। अत ये जो है आज तक कैसन कैसन आप मौसम अनुसार गीत निकाल गई थे? हाँ, तो जैसे मौसम अनुसार जैसे कि बोलबम लागे वाला बा तो हम बोलबम हाँ गीत थोड़ा नया निकल रहे हैं अभी रिकॉर्डिंग होला वो गीत थोड़ी के हम गाए चाहते हैं
कांवर उठा के कांवरिया चला चली है शिव के दुवरिया, कांवर उठा के कांवरिया चला चली है शिव के दुवरिया। बड़ा ही दूर बट देवघर नगरिया, बड़ा ही दूर बट देवघर नगरिया, जलवा उठाई कैसे भरी गगरिया, कांवर उठा के कंवरिया चला चली शिव के दुवरिया। ऐसी बात ये गीत अभी तक रिकॉर्ड ना कर बा, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग कर तैयारी माटी अभियान परम जाग बा श्रोता बाटे ओखन से कैसन सपोर्ट पाल जते एकदम कह पर सपोर्ट करता कहला कि मने बोल बम गीत निकारा कह के हमरे विजुअल कैल जी कहे के हां एक जन कितना व्यक्ति बाटे गायककार कहल जा हमरे उ सब कहत कि अपने आप के बहुत कुछ सोचने जबकि ओखन के एकटू पाछे जाके गिर जाने यानी कि एकठू गीत गाते बिलम हम राष्ट्रीय कलाकार होने कह के मने कहे पुग जाने ते आप में ई जोन एकठू ओखन के भावना बा के सोच बा आपके सोच कैसन बते जैसे कि अब एक गीत गईना माना कि हिट हो गेल तो सोचना कि हम बड़का राष्ट्रीय गायकार हो गई एक एक गीत अगर फलाप हो जी तो अगर कहीं छोड़ देना तब ऐसा कबो नहीं करे चाहिए जैसे जिंदगी में कबो हार जीत कबो जीत कबो हार तो होबे करी कबो हिट कबो फलाप होबे करी बाकी मने एठो गीत गैले से कहना कि हम बड़का कलाकार होली के सोचना ऐसा कबो नहीं सोचे चाहिए। हाँ तो आगे दिन में कैसन कैसन आप गीत रचना करे सोच रख ली बात अभी तो हम झुमड़ा ठो गीत मने रचना कैले हैं और हो अब निकार कतिन बाटी झुमड़ा झुमड़ा। हाँ तो वैसे कहल जमरे झुमड़ा कहल गेल खुशी लगल वैसे हमन के जो समाज में बा जो ना पहले के चाल चलन हमन के संस्कृति रहे हमन के कला रहे दिन प्रतिदिन हेराते जात बा जो आज के नया पीढ़ी बाटी उ सब हमन के बुढ़ पुराने बाटी खन के संस्कृति नहीं मानत बाटी बाकी हमारे लौट के देखल जा पीछे लौट के हमारे यदि ताकत जा तो हमन के पुरान संस्कृति भी अपना आवश्यक बा जो झुमड़ा कहल गेल हमन के अपन समुदाय के कहल जा हमन के पहले के आज पुरखा के एक देन हो ते आप ई जोन देन बा एक लोप होय से बचाए चाहल जा खुशी के बाद हमरे आपके धन्यवाद और आप बधाई के पात्र हल गिल बा ते एक झुमड़ा के जोन आप रचना कल गिल बा सुना सकल जी। हाँ ई गीत कहे परल हमार अब आज बिहान लगभग बिहान इत पर हमारे ये गीत रिकॉर्डिंग हुई जी दो तीन दिन में मतलब परिप्रेक्ष्य में हाँ ये गीत हमारे वहाँ देवरिया जिला में हुई रिकॉर्डिंग म्यूजिक है वही देवरिया से बनाला कह परल झुमड़ा गीत हो चेतना मूलक बा कैसे चलैबा ए समिया घर के गरजिया हे कैसे चलैबा ए समिया घर के गरजिया हे भला कैसे किनबा कापिया किताब सुनेबा हो सजना भला कैसे किनबा कापिया किताब सुनेबा हो सजना ऐसी बात। हाँ तो बहुत बड़े गीत सुनाल गेल वैसे हमन के कहा जा कि पहले हमारे छोट छोट आल गेल थे ऐसे तमाने गीत सुने के मिले और उतना समय हमारे जोन के एक स्कूल में अध्ययन कर जाते हैं उतना समय ते कुछ नहीं लगता है बकिन का आजकल हमारे एक कॉलेज लाइफ भी बिता हो चुकल बाटी बकिन का ऐसा जो हमारे गीत बा यदि हमारे भुला जा के पीछे लौट के ताकि हमारे जीवन में आखिर कुछ नहीं रह जाए हमारे जो बुढ़े बुढ़े बाटी ओकन दाल एक हमन के निशानी बा ओकन के छाप बा हमन के छाप भी मिटवा के अवस्था में बाटी तो एक दुख के बाद बा जो आप एक फिर से उजागर करे के एक ऊर्जा देख सोच रखल गेल बा खुशी के बाद बा जो गीत रचना कल गेल बा यानी कि रिकॉर्डिंग के प्रक्रिया में रहल गेल बा ते एमा कैसन युगल स्वर बा कि आपे अपन स्वर हाँ ते जो हमन के दूसरा बाटी वहाँ के साथ अपना गेल बा हाँ जोड़ी गाना बा हमन के एमा जैसे लेडीज और जेंट्स के बा लेडीज कही कि मने जैसे दारू न पिया कही के हमन के खे कैसे हमरे का अपना घर द्वार चला जी लेका पैके कैसे पढ़ल जी तब हमर जेंट्स कही कि दुई दिन जिंदगी आए सजनी हंसी के बितावा है केहू काल के मर के ले जाए सुने बा हो सजनी ऐसे किसी के बात हाँ तो वैसे हमन के ये जोन गीत बा ये तो आर्थिक कहर से सहयोग पाल गिले बा कि नहीं ये तो हमन के अखना एकर सहयोग काल के हमन के हमन भैया और हमन के कह परल
दर्शक बाटी या श्रोता बाटी ओखन की भी हमन के सोचे आवश्यक बा अक्सन की आज नया पीढ़ी बाटी ओकरे अपन संस्कृति भुरा चुकल बाटी ते उसी साथ में जाके जोन आप एटू जुमड़ा और ओसे पहले भी एटू साउंड के गीत सुनाल गेल खुशी लगल अजन के भर के हमन के बोलबम शुरू होए के अवस्था बा यानी कि जोन कितना व्यक्ति बाटी धर्म में आश्रित होके पुण्य कमाए के और लगल बाटी ते ऐसे जोन के हमन के कहल जा या बड़का त्यौहार कहल जा हमन के दशहीं कहल जा या दशहीं में भी हमन के समाज में विकृति विसंगति उतने बा काटमार कहल जा या हमरे दारू पी के हमन के समाज में दिखल जीते कितना व्यक्ति बिगड़ चुकल बाटे और एक बाद में हमरे कहल जा खिचड़ी कहल जा या ब्याह में तमाने फाजुल खर्चा होते और हमरे दहेज देखल जा पहले और आज की तुलना में घटे के ना छोड़ के बढ़त बा आजकल सीधे हमन के मोटरसाइकिल मांगे के चलन उठ गल बा ते इस कुल जोन विकृति बा दहेज प्रथा या जोन बाल विवाह इस संबंध में एक दो गीत है रचना कर लीबा एक और बारे में दहेज के बारे में गीत बा बाकी इनका खाना अभी नहीं सुना सका सर हाँ एक और तैयारी में रह गया तैयारी में नहीं वहाँ लिख रही थोड़ी क्या बात ते बाल विवाह संबंध में कुछ रचना कर लीबा बाल विवाह के संबंध में नहीं बस सर अभी मैंने रचने हैं भाई थोड़े थोड़े भाई सुना अलग नहीं भाई दूसरे बार आप तब सुना दे ते अब अभी इनके जैसे हमन के वीर पुरखा जो हमन के उपहार दिलाटा हमन के कहे पर बरदान दिलाटा हां कहे पर कि जैसे वो कुल हमन थारू भुला चल जाटा जोन हमन के उपहार दिलाटा झुमड़ा गीत भेल झररा गीत भेल जोन हमन के वीर पुरखा कि माने ये कुल तोहरे कर जाए कहे ना आलोक करे बाकी देखल जा आजकल का होता कि हमन के हमन से जोन छोट छोट लड़का बाटा ओकरे गांजा भांग ये कुल सिगरेट में ये कुल भुला गलटा हमरे नाच कहल जाला झुमड़ा हमन देखल जात हमरे कखला ये बुटवाल 18 नगर पालिका से हमन के कहे पर ढेर सहयोग मिलल कहना कि तोहरे माने झुमड़ा नाच कह के देखावा माने सहयोग हमरे कह के हमन के नगर पालिका से 1,00,000 देना सहयोग मिलल त हमरे झुमड़ा गीत हफ्ता में कैल जाला लेकिन देखल जा हमन जोड़ परिवार कैल जाला और हमन से जो छोट छोट बाटा ओकरे गांजा भांग पी पी के घुमाना त ओखन के लिए हमें थोड़ा गीत रचना कैले हैं कि वीर पुरखा छोड़ के गेना हम थोड़ी के सुना चाहती सर वीर पुरखा छोड़ी के गईला दई के दिलो जवान हो मेची से मह काली तक सब फूलो फलो जहान हो हर समय सहर न माने हर समय सहर न माने थारू बाटे महान हो वीर पुरखा छोड़ी के गईला दई के दिलो जवान हो मेची से मह काली तक सब फूल फलो जहान हो सुन के हा महान सजनी बिरहनी नीला नीला बादल गरजेला देख के हा महान नियम रीति सावन के बरखा बरसेला देखे के हम हन नियम रीति सावन के बरखा बरसेला हर मौसम में हर न माने डट के बढ़े किसान हो मेहनत के ऊ हाथ बढ़ा के छूले आसमान हो हाँ ते वैसे हमरे इतना घरी देखा जाता बुद्धिस्ट समुदाय 46 जन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और साथ में बाटी राज ऐसे मन के कैमरा पर्सन नरेश और हमन के लग आज अतिथि बाटी गायक सीताराम चौधरी हमरे वहाँ से आज वहाँ के विचार आदान प्रदान के साथ में हमरे वहाँ के स्वर सुनल जतबा ते ऐसे खुशी लगल आप ढेर से ढेर रचना कल गिल बा ते ऐसे अन्हा दिन में कैसन कैसन और वैसे जो आर्थिक हल्का आपके सहयोग होते बा और साथ में जाके आप एक अपन व्यवसाय के रूप में ले जाके चाहत बा कि नहीं की जैसे कि अब हमन के अभी तो जितना गीत निकलला कह पड़ल कौन थी व्यवसाय सोच के नहीं निकलला सहयोग नहीं मिलत रहे कह पड़ल पहले ले ढेर सहयोग मिला था पहले तो ढेर अपने लगाने लगा के हम गीत गात रही आई अब कह पड़ल बाहरी लगानी भी मिला था सहयोग मिला था वैसे अब अक्टा नहीं चाहिए कौन मन का सोचना कि मैंने इसे गीत निकलना
एक गीत दू गीत फला फगेल तो कहीं भाई कहीं छोड़ दे लगानी हमारा डूब जाता अब ऐसा छोड़ दही तो मने कबो सफल नहीं हो पाई कबो अपनो लाइन ला के गाय पड़ी कैसे कि समाज के जब कोनो समाज के जिसे समाज का खुआ था वो किसी में गीत गाय कहा जाता लवंडे लगानी नहीं लगा मन कहा कि कहा लगानी डूब जी संगीत में कहाना बाकी वह कुल गीत से हमारे आगे बढ़ल जी तब ही नाते हमारे कहा अपने लगानी भी लगा के हमारे कैसो के हमारे समाज आगे बढ़े के हम अपने लगानी लगा के भी हम गीत गाइला हां ते जोन काम कार्य करते हम के रिस्क उठा के आवश्यक बा जब तक हम रिस्क उठा के नहीं सकल जी तब तक कोनो भी हमारे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे के नहीं सकल जी हां ते वैसे आपके जोन ये एटू गीत गाय के प्रेरणा के हर से मिलते ई कहल के जैसे हमन के पहली से छोटी से हमें गा के शौक रहे जैसे कि हमन के दाई बाबा ओकर पहली से गात रहा वही नाते हम छोटी से सुनी तब कहना कि जैसे गुड़ शरद के काल से वैसे लागल हमें जैसे कि छोटी से हम गाय शुरू कैली और जब हम गाय शुरू कैली तब फिर भजनों पहले गाई हमन का भजन उजन गाई तहनों की हमन समाज में ऐसा बिक्री तो नया कहके पहले शुरू में गैबो करी तो चेतना मूलक गीत हम शुरू कैली हाँ तो चेतना मूलक गीत शुरू कैली वही मारे चेतना मूलक गीत ढेर जैसा अभी तक मैंने गैबे कर ला लघो संग गाइला धोखो वाला गाइला लेकिन हमन के समाज ताकि कहना दूसरा तरफ जैसे गलत रास्ता में ना जाए कि उम्र के गीत गाइला कैसे काली ब्याह रहे हम देखली आम आम है ऐसा ऐसा गीत सुना था कि दीदी बहनी सब जना हम बराते नेवता खाए बाकी ऐसा ऐसा गीत हम काली सुन ली कि नहीं सुने लग रहे बाकी तब बजा देना ऐसा ऐसा में वही से बिक्री तेमन की और बढ़ता तेमन की समाज में आजकल का देखा जी कि सबसे पहले तेमन की जब ब्याह दान में ऐसा भोजभतेर में कहा हो कि अब आजकल के जब नया लौंडे बाटी वो सब भी वैसे गीत गाँव ही और साथ में जाके हम के दक्षिण बेल्ट में देखा जीते वैसे गीत भी हमारे सुने पाल जाते जबकि उखान के अब एठू कैसे पैसा कमाई उखान के एठू सोच रहा था और वहाँ के उखान के घर परिवार भी वे मेर के रहने और हमन के ओके से कैसे बच सके के हमन के वार ध्यान ना जाके और आज के हमन के लौंडे बाटी आजकल के नए पीढ़ी बाटी वो सभी वैसे गीत है ओकरे सुनाई पुग जाने और साथ में जाके जो सुने वाला रहना वो सब भी ओके कंट्रोल करके नहीं चाहने आते इस भी ओकन के कमजोरी हो वह तो हम कहे चाहते कि जिसे शादी ब्याह में हुई तो घर माने सबसे पहले तो घर गर्दन कहते हैं कि सर कितना बजाओ कहते ओकन के कंट्रोल करे आवश्यक बात है कंट्रोल करे जब आवश्यक बात वही ना तन्ना कहले से गर्दन के बेटा वे खुद अपन घर ही बजाई ओका दीदी बहनी ने कुल बजाई वे कुल सुनही वे कुल के नाते हमन के बिक्री तैयार बढ़ चल जाता और जो मजा मजा गीत रही ओके नहीं सुनही हां ते अंतिम में जो हमन के दर्शक बाटी ओखन के का कह चाह जात बा कि ऐसन जो आप चेतना मूलक के गीत निकाल लिल बा ओखन के जैसे कि चेतना मूलक गीत हम का कहला कि सुन सुना और साधना और वैसे ही कहके हमके भिजोल कहके देखा भिजोलो कर भिजोल से भी प्रभाव पड़ता है इनके गीत निकाले भर से नहीं जितने जितना ढेर गीत निकाल ला जितने गीत के भिजोल हुई वह किस्म के भिजोल निकाल लेते और मजा रही हमन के ऑडियो भरना की वीडियो की भी आवश्यकता वीडियो कहल जाए जब वीडियो कहल जाए तब बल्ले हमन के समाज में देखी तब वह कुल जैसे कि कलाकार रो दे ते आदमी देख के रो देना हंसी ते हंस दे तब वही मारे हमन के वीडियो देख ले जरूर वीडियो देखी तो हमन कलाकार में प्रभाव पड़ी कलाकार के देख के हमन के समाज में प्रभाव पड़ी हां ते वैसे हमरे आज बातचीत कल गल हमन के गायक सीताराम चौधरी से वैसे हमारे बातचीत करते विद्यालय से में हो गल बा ते आप देखल गल बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आपके हृदय से धन्यवाद ऐसे हमन के कैमरा पर्सन नरेश वहाँ के भी हृदय से धन्यवाद और हमन के आज के अतिथि गायक सीताराम चौधरी वहाँ के फिर से धन्यवाद आप ऐसे हमारे कोनो भी गीत निकाल जा ते हमन के समाज में जो विकृति विसंगति बा वो भी नियंत्रण होते जाए इमेर के हमारे गीत निकाल सके ते हमन के आज के जोन युवा लोगन बाटी ओकरे एठू जोन भ्रमित बाटी आज के जोन ओखन के उद्देश्य बा और हमन के जो नरकीय जीवन कितना बिता बाध्य बाटी ऐसे गीत से भी कितना प्रभाव पड़त कि मन के मानस पटल में वैसे प्रकार के एठू ट्रेंड बढ़ जात और हमन के जोन आ वाला दिन बा वो भी भ्रमित होके हमारे असफलता की ओर पुगे पुगे जल जाते हमारे सबसे पहले ते जिसे गीत ने करल जा एमा भी हमन के सफलता प्राप्ति के खातिर ढेर रहस्य बा और हमारे अपने आप युवा लोगन आगे बढ़े का आवश्यक बा सोचे का आवश्यक बा हमारे अनुसंधान करे का आवश्यक बा तब भर के हमारे हमने समाज की वृत्ति हट सके और असल सभ्य समाज के निर्माण हो सके ऐसे हमारे फिर से हमन के कैमरा पर्सन नरेश के और हमन के आज के
अतिथि हमारे गायक काल जी सीताराम चौधरी वहाँ की फिर से धन्यवाद और हम संचालक राज जी आपसे विदा होती हैं। आप देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन। नमस्ते।